भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा मंडी सोलन व पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के फैसले का स्वागत किया। इन शहरों के नगर निगम बनने से इन शहर के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि मंडी सोलन तथा पालमपुर तीनों ही शहर प्रदेश के उभरते शहर हैं जो सांस्कृतिक धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन शहरों का नियोजित विकास आवश्यक है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उद्धव ठाकरे के बयान पर कश्यप ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे फ्रंट पर कोई प्रभाव नहीं है और ऐसे प्रयास पहले भी हो चुके हैं जो फेल हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से तीन नगर परिषदों को उनका दर्जा बढ़ाकर नगर निगम बनाया है, जिसमें हमारा मंडी, सोलन और पालमपुर, इनको नगर निगम का दर्जा दिया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसी प्रकार से पांच नगर पंचायतों को बनाया गया है, उसमें हमारी जो आनी विधानसभा क्षेत्र की आनी और निर्मल, इसके साथ साथ चौपाल का हमारा नेरवा, रोडू का चिड़गांव और ऊना की अम्ब, ये पांच नगर पंचायतें बनाई गई हैं। निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए, जहाँ तक तीसरे फ्रंट की बात है, कई बार ये प्रयास हो चुके हैं और इससे पहले भी कई बार कई तीसरी पार्टी अस्तित्व में आई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट की कोई संभावना या कोई स्कोप नहीं है। जो जो भी प्रयास आज तक हुए हैं सारे जो है विफल रहे हैं, और अभी जो एक HPHP करके नई पार्टी का उद्भव हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के उससे किसी प्रकार से उनका कोई प्रभाव आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति में होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।